कुछ दिन पहले सदर ममलिकत ने जो है वो फोन पे फलस्तीन के सदर के साथ गुफ्तगू की और फलस्तीन में जो आजकल सूरत हाल है और जिस तरह 5,000 से ज़ायद बच्चे शहीद कर दिए गए हैं और दिन ब दिन गाज़ा की सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा इस पे बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। सदर ममलिकत साहब ने उसके बाद जो प्रेसिडेंसी से प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें उन्होंने ये फरमाया कि फलस्तीनी सदर से बात करते हुए सदर ममलिकत ने कहा है कि वन स्टेट सोल्यूशन जो है वो इज़राइल और फलस्तीन के लिए होना चाहिए। अब वन स्टेट सोल्यूशन जो है ये तो पाकिस्तान की पोजीशन कभी से नहीं रही। वी हैव ऑलवेज टेकन ए वेरी प्रिंसिपल्ड पोजीशन के द सोल्यूशन इज ऑफ टू स्टेट्स एज फार एज द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन इज कंसर्न। उसके बाद उसकी शायद कॉन्ट्रडिक्शन तो चली लेकिन आपके तवसत से मैं ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं और आपके तवसत से मैं प्रेसिडेंट से इस स्टेटमेंट के ऊपर उनसे रेजिग्नेशन भी डिमांड करता हूं। लेकिन मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि व्हाट काउंटर मेजर्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू ओवरकम दिस डिजास्ट्रस स्टेटमेंट दैट वाज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी मिनिस्टर साहब। जनाब चेयरमैन, सेनेटर रज़ा रबानी साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसके अंदर जो स्टेटमेंट इशू की गई प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट की तरफ से उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कोई इनपुट नहीं था और उसके बाद जब वो स्टेटमेंट इशू हुई मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट का मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की वन स्टेट सोल्यूशन की, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो हमेशा ये रही है टू स्टेट सोल्यूशंस की बेस्ड ऑन 1967 जो अपना बॉर्डर्स है और यूएन का जो सा रेजोल्यूशन है 242 उसके ऊपर और OIC के रेजोल्यूशन के मुताबिक है पाकिस्तान की जो पोजिशन है। तो जब ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद हमें उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी इशू करनी पड़ी और उस क्लैरिफिकेशन को हमने OIC सेक्रेटेरिएट भी भिजवाया और बाकी जितने भी हमारे जो मुतलका अदारे हैं इंक्लूडिंग UN इंस्टीट्यूशंस उनको भी हमने भिजवाया और इसको क्लैरिफिकेशन किया को इशू किया और इसको फिर हमारी क्लैरिफिकेशन को मीडिया ने भी उसको काफ़ी हाईलाइट किया, न सिर्फ डोमेस्टिक मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी क्लैरिफिकेशन किया।